परिचय के लिए मैं मनीषा केलकर दीदी को आमंत्रित करती हूँ। सुप्रभातम, नमस्कार। आप सभी को विदित है, कि अमृत महोत्सव के अंतर्गत हम 75 दिनों की इस श्रृंखला में हमारी वर्तमान व भावी पीढ़ी को स्वतंत्र संघर्ष में किए गए बलिदानियों, त्यागियों, देशभक्तों की उन वीर गाथाओं का स्मरण करा, उन मातृभूमि पर मरमिटने वालों के शौर्य, पराक्रम, वीरता का अनुभव कराना चाहते हैं। क्योंकि आजादी का अमृत महोत्सव यानी आजादी की ऊर्जा का अमृत है, स्वाधीनता सेनानियों से प्रेरणा का अवसर, राष्ट्र के लिए किए गए संकल्पों और जागरण का उत्सव है। अतः आज हम सब में देशभक्ति की भावना रूपी अमृत बूंदों का सिंचन करने के लिए हमारे बीच इस आभासीय कार्यक्रम में 73वीं कड़ी के रूप में उद्बोधन के लिए उपस्थित हैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रखर ओजस्वी वक्ता माननीय सदानंद सप्रे जी। सप्रे जी, आपका इस आभासीय कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है, नमन है, अभिनंदन है। माननीय सदानंद सप्रे जी मूलतः जबलपुर के निवासी हैं। बचपन से ही आप देशभक्ति के संस्कारों में पले बढ़े, अतः बचपन से ही आप स्वयं सेवक रहे, साथ ही वानप्रस्थ प्रचारक रहे हैं। आपके परिवार में संस्कारों का बीजारोपण ऐसा कि आपके परिवार के 3 सदस्यों में प्रचारक के रूप में रहे हैं, कार्य किया है उन्होंने। आपके माताजी श्री माननीय जीजी सप्रे, इन्होंने महाकौशल प्रांत में राष्ट्र सेविका समिति की नींव रखी। हमें यह बताते हुए अत्यंत गर्व का अनुभव हो रहा है कि माननीय सप्रे जी ने राष्ट्र सेविका समिति के लिए भी अपना भरपूर सहयोग दिया है। आप पूर्व में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मध्य भारत प्रांत कार्यवाह रहे, इसी के साथ ही आप अखिल भारतीय कार्यकारिणी के सदस्य भी रहे। यह अत्यंत गौरव का विषय है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में विश्व विभाग सह संयोजक के दायित्व का निर्वहन करते हुए आपने 20 से अधिक देशों की यात्रा की। आपके बारे में एक और जानकारी देते हुए हम हर्षित हैं कि ये प्रज्ञा प्रवाह के संयोजक रहे, विदित रहे कि यह मंच भारत भर के बुद्धिजीवियों का मंच है। वर्तमान में आप प्रज्ञा प्रवाह में अखिल भारतीय कार्यकारिणी सदस्य केंद्र भोपाल के दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं। इसके पश्चात गीत होगा और गीत के बाद मैं आपको आज के इस उद्बोधन के विषय के रूप में अवगत कराना चाहूंगी। गीत प्राजक्ता विप्रदास दीदी व पुण्यदा आवले दीदी, नर्मदा भाग जबलपुर से। जयोस्तुते जयोस्तुते श्री महन मंगले शिवास्वदे शुभदे स्वतंत्रते भगवती त्वामहं यशोयुता वंदे यशोयुता वंदे। जयोस्तुते जयोस्तुते श्री महन मंगले शिवास्वदे शुभदे स्वतंत्रते भगवती त्वामहं यशोयुता वंदे यशोयुता वंदे। राष्ट्राचे चैतन्य मूर्त तु नीति संपदाची राष्ट्राचे चैतन्य
धन्य मूर्त तू नीति संपदा जी स्वतंत्र देव भगवती श्रीमती रागी तू त्याजी परवश ते चार भाग तुझे आकाशी हो स्वतंत्र ते भगवती स्वतंत्र ते भगवती साधनी सम समल फल श्री कामहम यशोयुतावंदे जयोस्तुते जयोस्तुते भगवती कामहम यशोयुता वंदे यशोयुता वंदे कालावर जा कुसुमी कुआ कुसुमान जागाली कालावर जा कुसुमी कुआ कुसुमान जागाली स्वतंत्र ते भगवती तूच जी बिलसत से लाली स्वतंत्र ते भगवती तूच जी बिलसत से लाली तू सूर्याचे तेज उदगीचे गांभीर्य ही तुझे स्वतंत्र ते भगवती स्वतंत्र ते भगवती अन्यथा ग्रहण नष्ट तेजी वंदे त्वामहं यशोयुता वंदे जयोस्तु ते जयोस्तु ते श्रीमहं मंगले शिवास्पदे शुभदे स्वतंत्र ते भगवती त्वामहं यशोयुता वंदे यशोयुता वंदे मोक्ष मुक्ति ही तुझी स्वरूपे तुलाच वेदांती मोक्ष मुक्ति ही तुझी स्वरूपे तुलाच वेदांती स्वतंत्र ते भगवती योगिन पर ब्रह्म वदते स्वतंत्र ते भगवती योगिन पर ब्रह्म वदते जे जे उत्तम उदात उन्नत महान मधुर ते स्वतंत्र ते भगवती स्वतंत्र जयोस्तुते जयोस्तुते
उद्बोधन हेतु आपका विषय है तेजो निधि स्वातंत्र वीर सावरकर। इस विषय को सुनकर अटल बिहारी वाजपेयी जी की उन पंक्तियों से सावरकर जी के बारे में बार बार हमारा शीश श्रद्धा और आदर से झुक जाता है। सावरकर माने तेज, सावरकर माने त्याग, सावरकर माने तप, सावरकर माने तत्व, सावरकर माने तर्क, सावरकर माने तारुण्य, सावरकर माने तलवार, सावरकर माने तीर, सावरकर माने तिल मिलाहट, सावरकर माने तितिक्षा, सावरकर माने तीखापन। ऐसा वह बहुरंगी व्यक्तित्व। स्वातंत्र वीर सावरकर जी के ऐसे तेज पुंज स्वरूप का दर्शन कराने हेतु मैं आमंत्रित करती हूँ माननीय सदानंद सप्रे जी को। आदरणीय सप्रे जी, आपका स्वागत है। भाई साहब आपका म्यूट है। जी नमस्कार, आवाज ठीक आ रही है? जी आ रही है। जी, अपने राष्ट्र सेविका समिति की महाकोशल प्रांत की संचालिका माननीय सुमतीताई जावड़ेकर जी, प्रांत कार्यवाहिका सौ सुमेधा जी पोर, उपस्थित अन्य अधिकारी और आत्मीय सेविका भगिनी, मेरा सौभाग्य है कि स्वातंत्र्य वीर सावरकर जैसे व्यक्तित्व पर बोलने का मुझे अवसर मिला है और वह भी लगातार 3 दिन तक। जैसा प्रारंभ में आपके सामने विषय आ गया है कि सावरकर जी यानी क्या, बड़े ही सुंदर शब्दों में अटल जी के द्वारा कही हुई बात यहाँ दोहराई गई है, तो इतना बड़ा व्यक्तित्व एक दिन में उनके बारे में बोलना तो संभव ही नहीं है। इसलिए मैं आयोजकों को साधुवाद देता हूं कि उन्होंने सावरकर जी पर 3 दिन का समय रखा हुआ है। हालांकि 3 दिन में भी पूरी तरह से बात समाहित होना अत्यंत कठिन है, प्रयास रहेगा। प्रयास यह भी रहेगा कि उनके जीवन की जो विख्यात बातें हैं, अधिकांश लोगों को मालूम है, उन बातों को जरा सा स्पर्श करते हुए कुछ अन्य बातें और जीवन की जो बातें उसके पीछे के उनके भाव, इसके बारे में थोड़ा सा अधिक प्रस्तुत करने का प्रयास होगा। जब इस विषय पर बोलना है कि अब थोड़ा थोड़ा प्रवास प्रारंभ हो गया है, कोरोना संकट अब उतना नहीं रहा है, सावधानी रखते हुए वो प्रवास क्रम में मुंबई में इस समय पर हूं, वहीं यह जानकारी मिली, तो सोचा कि कुछ अच्छी पुस्तकें, चूंकि प्रवास पर सारी पुस्तकें लेना संभव नहीं होता है, यहाँ पर जहां पुस्तकें मिल सकती है ऐसे कुछ स्थानों पर प्रयास किया भी है। मेरा बड़ा सौभाग्य है कि स्वयं सावरकर जी के पोते रंजीत विक्रम सावरकर, जो यहाँ जो स्वातंत्र वीर सावरकर राष्ट्रीय स्मारक है मुंबई में, उसके अध्यक्ष हैं और सामाजिक जीवन में अत्यधिक सक्रिय हैं। सावरकर जी के पोते हैं तो वो संस्कार तो चलते ही रहते हैं। मेरा सौभाग्य है कि उनसे भी थोड़ा सा वार्तालाप हुआ है,
हमसे थोड़ा मार्गदर्शन भी प्राप्त किया है, कुछ सामग्री के बारे में भी उन्होंने संकेत दिए हैं जिसका मुझे लाभ हुआ है, तो उनके प्रति भी विशेष कृतज्ञता व्यक्त करना मैं मेरा कर्तव्य समझता हूँ। और संभवतः उन्होंने इस कार्यक्रम में शामिल होने का प्रयास करूंगा ऐसा जो कहा है, तो यहाँ पर यदि उपस्थित होंगे कार्यक्रम में तो उनको मेरा सादर नमन। रंजीत जी नमस्कार। हम जब किसी महापुरुष के बारे में विचार करते हैं तो एक विशेष दृष्टि होना आवश्यक है। वह दृष्टि यानी केवल महापुरुष का गौरव गान करने के लिए उनके जीवन के बारे में सुन रहे हैं, बोल रहे हैं, पढ़ रहे हैं, इतना पर्याप्त नहीं है। उस महापुरुष के जीवन से हम अपने जीवन में क्या क्या सीख सकते हैं, कौन सी बातें अपने जीवन में जोड़ सकते हैं, उस दिशा के प्रामाणिक प्रयास करते समय उनके जीवन का अध्ययन मुझे लाभकारी होगा ऐसा सोचते हुए जीवन का अध्ययन करना चाहिए, श्रवण करना चाहिए, मनन करना चाहिए। तो इस दृष्टि से जब विचार करते हैं तो कुछ बातें तो ध्यान में आती है, जिसे एक जन्मजात देशभक्त कहते हैं। सावरकर जी उस श्रेणी के थे, लेकिन जन्मजात देशभक्त होने के साथ ही साथ उन्हें परिवार में जैसे संस्कार मिला, जैसा वातावरण मिला, हम जानते हैं कि उनके परिवार में देशभक्ति की परंपरा रही है। यानी तीन बंधु, सावरकर जी बीच वाले थे, बड़े बाबा राव, छोटे नारायण राव, ये तीनों जेलों की पर्याप्त यात्राएं कर चुके हैं स्वाधीनता के लिए प्रयास करते हुए, तो घर का वातावरण ही ऐसा। और जन्मजात देशभक्त, जब जन्मजात देशभक्त को परिवार में उस प्रकार का संस्कारी वातावरण मिलता है तो उसकी परिणति कैसी होती है, इसका यह एक जीता जागता उदाहरण है सावरकर जी का जीवन। कुछ बातें ऐसे महापुरुषों में जन्मजात होती है, जैसे सावरकर जी की कविताओं के बारे में हम जानते हैं, काव्य रचना हम जानते हैं कितनी उच्च श्रेणी की थी। आज भी जो काव्य हमने सुना है स्वतंत्रते, ये सावरकर जी द्वारा रचित ही है। तो ये सावरकर जी बाल्यकाल से कवि थे, हम लोग को शायद जानकारी नहीं होगी कि इनकी कविता यानी 10-11 वर्ष के थे तब से इनकी जो कविताएं ये लिखते थे वो इतनी अच्छी होती थी, लोगों को इतनी अच्छी लगती थी कि ये इस 10-11 वर्ष के बालक की कविताएं भी समाचार पत्रों में छपती थी। इस स्तर की कविताएं यह 10-12 वर्ष का बालक किया करता था। ईश्वर प्रदत्तता इसी को कहते हैं। केवल कवि ही थे ऐसा नहीं है, बहुत सिद्धहस्त लेखक थे। और लेखन भी कैसा, जिसे हम थोड़ा सा ऊंचे स्तर का लेखन कहते हैं, एक उदाहरण यदि देखना हो तो जब वे विद्यालय में पढ़ते थे, अब विद्यालयीन छात्र किस तरह के विषयों के बारे में सोचता है, बोलता है, लिखता है हम जानते हैं, उसमें कितनी गहराई होती है इसके बारे में भी हम जानते हैं, विद्यालय का छात्र है 12-14 साल का है। लेकिन इन्होंने उस समय पर हिंदू संस्कृति का गौरव इस विषय को लेकर के एक सुंदर लेख लिखा था, हिंदू संस्कृति का गौरव। बड़े बड़े लोग भी इस तरह के विषय में लिखने में सक्षम नहीं होते हैं, उस विषय पर यह 12-14 वर्ष का बालक एक लेख लिख रहा है, लेख लिखते हैं, लोगों को दिखता है, जैसे इनकी कविताएं दिख जाती थी तो लोगों को लगा कि तो इतना सुंदर लेख है तो समाचार पत्र में छपना चाहिए। तो वहां पर एक जो नासिक वैभव नाम का बड़ा ही सुप्रसिद्ध समाचार पत्र उस समय का, नासिक वैभव,
उस समाचार पत्र में इस लेख को संपादकीय पृष्ठ पर स्थान मिला। हम लोग कल्पना कर सकते हैं कि इस छोटी आयु के बालक का लेख वह किस स्तर का होगा, उसे इस सुप्रसिद्ध समाचार पत्र के संपादकीय पृष्ठ पर स्थान मिला, उस पर वह छापा गया। ऐसे प्रतिभा संपन्न थे, देशभक्ति की भावना तो बाल्यकाल से ही थी। हम लोग शिवाजी के बारे में जानते हैं कि उनकी भी लगभग ऐसी ही स्थिति थी, संस्कार घर में और जन्मजात। तो एक किशोर आयु में पहुंचते पहुंचते जब भावावेग हो जाता है कि मैंने देश के लिए, मैंने समाज के लिए, मैंने धर्म के लिए कुछ करना चाहिए, इस भाव की इतनी तीव्रता हुई कि हम जानते हैं कि शिवाजी महाराज ने भी मां भगवती के सामने प्रतिज्ञा की थी कि मैं हिंदू धर्म के लिए, इसके पुनर्स्थापना के लिए, इसके कल्याण के लिए अपना सारा जीवन समर्पित कर दूंगा। ऐसा जो संकल्प छत्रपति शिवाजी ने मां भगवती के सामने लिया था, उसी प्रकार का संकल्प इस किशोर विनायक ने मां भगवती के सामने लिया था। देश उस समय पराधीन था, तो स्वतंत्रता यही मेरे जीवन का लक्ष्य होगा, इस प्रकार का एक संकल्प, इस प्रकार की एक प्रतिज्ञा मां भगवती के सामने सावरकर जी ने ली थी उस किशोर आयु में, और सारा जीवन उस प्रतिज्ञा का पालन करने में उन्होंने बिता दिया, ये हम सब लोग जानते हैं। ऐसा प्रतिभाशाली छात्र उस समय पर भी, ऐसे जो देश के लिए कुछ कर सकते हैं, ऐसी क्षमता वाले लोगों पर उस समय के जो बड़े लोग थे, देशभक्त थे, ऐसे लोगों का बड़ा ध्यान रहता, जैसे कृष्ण वर्मा है, इन लोगों का ध्यान ऐसे युवाओं पर रहता था। तो श्याम जी कृष्ण वर्मा ये ऐसे उदीयमान छात्रों को कि जो देश के लिए कुछ कर सकते हैं और उनमें ऐसी प्रतिभा है, तो उन्हें छात्रवृत्ति देते हुए विदेशों में जाकर के वे अध्ययन कर सके, इस प्रकार की व्यवस्था की जाती थी। ये व्यवस्था भारत में हमेशा रही। हम लोग डॉक्टर हेडगेवार जी के बारे में भी जानते हैं, जब विद्यालय से निकाल दिया गया तो उनको किस प्रकार के विद्यालय में आगे के अध्ययन की व्यवस्था की गई थी उस समय के अपने बड़े देशभक्तों के द्वारा। और फिर ना कलकत्ता में जाकर के जो डॉक्टरी का अध्ययन करने का हेडगेवार जी ने सोचा था, उसी व्यवस्था की गई थी, उन्हें उस प्रकार की सहायता भी की गई थी। तो वैसी ही सहायता लोकमान्य तिलक जी इनको जानते थे बहुत अच्छे से, तो उन्होंने श्याम जी कृष्ण वर्मा से कहा कि ये सावरकर जो है ये बड़ा प्रतिभाशाली है, तो उनके एक प्रकार के प्रशस्ति के कारण से श्याम जी कृष्ण वर्मा ने इनको लंदन जाकर के बैरिस्टरी सीखने के लिए छात्रवृत्ति प्रदान की थी, जिसके कारण से ये लंदन में गए थे अध्ययन के लिए। लेकिन लंदन जाने से पहले ही उनके जो स्वयं का संकल्प था, तो ऐसे अपने जैसे संकल्पवान लोगों को इकट्ठा करते हुए कोई उनका छोटा सा दल बनना चाहिए, छोटा सा संगठन बनना चाहिए, ऐसा भाव चूंकि उनके मन में था, तो 1900 में, अब हमको ये सारा विचार करते समय उस समय सावरकर जी की आयु क्या थी इसका हमने अवश्य विचार करना चाहिए। 1883 का जन्म है, 1900 में इन्होंने एक अपने जैसे सोच वाले युवाओं का, किशोरों का एक दल का गठन किया था, मित्र मेरा इस नाम से, कि जो देश के लिए कुछ करना चाहते हैं तो इकट्ठा आएंगे, सब लोग मिलकर के विचार करेंगे, तो एक व्यक्ति की तुलना में अधिक लोग मिलते मिलकर के देश के लिए अधिक काम कर सकते हैं। ऐसी सोच, संगठक की सोच बिल्कुल बाल्यकाल से होती है। तो 17 वर्ष की आयु में उन्होंने मित्र मेरा इस प्रकार के काम का प्रारंभ किया था। आगे चल करके यही मित्र मेरा
चार वर्ष के बाद 1904 में अभिनव भारत इस संस्था का रूप ग्रहण करता है। अभिनव भारत, हम अभिनव भारत के बारे में जानते हैं कि क्रांतिकारक कार्यों की प्रेरणा देने वाला और उस प्रकार का वातावरण बनाने वाला यह युवाओं के बीच का कार्य था। सावरकर जी ने इसे प्रारंभ किया। देश की स्वतंत्रता स्वाधीनता यही जिसका लक्ष्य है और सशस्त्र मार्ग से भी करता है तो उसमें कोई आपत्ति नहीं है, ऐसी सोच रखते हुए, बल्कि सशस्त्र संग्राम के बिना स्वाधीनता कहाँ मिलते हैं। जैसे उनके एक काव्य में भी आता है, रणावीण स्वातंत्र्य पूर्णा मिराले, सशस्त्र संग्राम के बिना स्वाधीनता स्वतंत्रता कहीं मिलती है क्या। तो ऐसे युवाओं की भी तैयारी होनी चाहिए, इस दृष्टि से यह अभिनव भारत का गठन किया था। और हम जानते हैं इस स्वाधीनता के पश्चात इस अभिनव भारत को व्यवस्थित रूप से विसर्जित कर दिया गया था कि स्वाधीनता के लिए यह गठन हुआ था, जिस संस्था का अब स्वाधीनता मिली है तो अब इसको विसर्जित कर दे। तो स्वाधीनता के बाद उसको विसर्जित, बाकायदा एक व्यवस्थित रूप से कार्यक्रम हुआ था उस समय पर, स्वयं सावरकर जी उसमें उपस्थित थे। तो यह अभिनव भारत का काम भी प्रारंभ हो चुका था। अब 1906 में श्याम जी कृष्ण वर्मा द्वारा प्रदत्त इस छात्रवृत्ति के कारण से इनका लंदन जाना होता है। अब उद्देश्य तो ऑन पेपर तो यह है कि बैरिस्टरी का अध्ययन करने के लिए जा रहे, जैसे डॉक्टर हेडगेवार जी डॉक्टरी का अध्ययन करने के लिए कोलकाता गए थे। लेकिन कोलकाता जाने का उनका मूल उद्देश्य क्या था, कोलकाता उस समय क्रांतिकारकों का गढ़ था, तो वहां जाकर के क्रांतिकारकों में शामिल होते हुए देश की स्वाधीनता के लिए मैं क्या क्या कर सकता हूं, यह प्रत्यक्ष देखने के लिए और अनुभव करने के लिए कोलकाता गए थे। डॉक्टरी का अध्ययन तो बहाना था, डॉक्टर बने लेकिन डॉक्टरी नहीं की। ठीक वैसे ही ये विदेशों में स्वाधीनता के लिए श्याम जी कृष्ण वर्मा जैसे अनेक महापुरुष थे जिनके माध्यम से केवल भारत ही नहीं तो भारत के बाहर भी स्वाधीनता के लिए पर्याप्त प्रयास चल रहे थे और उसका केंद्र एक रूप में इंग्लैंड हुआ करता था। देखिए, इंग्लैंड का ही भारत पर शासन है और भारत के बाहर स्वाधीनता के लिए जो प्रयास चल रहे हैं उसका केंद्र बिंदु भी इंग्लैंड ही है, ऐसी स्थिति है। तो अभिनव भारत का काम वहां भी प्रारंभ हुआ और केवल अध्ययन करना यह उद्देश्य न होने के कारण से अभिनव भारत जैसे कार्य के माध्यम से अनेक लोगों को उन्होंने जोड़ा। और इसमें बहुत बड़ी विशेषता इनकी है कि समवयस्कों को तो उन्होंने अपने साथ जोड़ा ही। हम लोग कई नाम जानते हैं, लाला हरदयाल का नाम हम जानते हैं, मदन लाल धींगरा का नाम हम जानते हैं, ऐसे अनेक लोग हैं, वो समवयस्क थे। तो समवयस्कों को प्रेरित करना और अपने से छोटों को प्रेरित करना है तुलनात्मक रूप से थोड़ा सरल होता है, लेकिन जो अपने से अधिक आयु वाले हैं ऐसे लोगों को भी अभिनव भारत के माध्यम से इन्होंने प्रभावित किया और उन्हें उस कार्य से जोड़ा, बहुत बड़ी बात है। उसने उदाहरण लेना हो ऐसे लोगों के तो भाई परमानंद है, मैडम कामा है, तो ऐसे बड़ी आयु के लोगों को भी अभिनव भारत से जोड़ते हुए प्रभावित करते हुए उनका भी इस सारे कार्य में पर्याप्त योगदान रहे, इस हद तक उन्हें प्रभावित करना, इस प्रकार की कुशलता सावरकर जी में थी। मैडम कामा के बारे में तो ऐसा बताते हैं, ये इनसे 20-22 वर्ष अधिक थी आयु में। तो सावरकर जी की माता जी का तो वे जब बहुत छोटी आयु के थे तभी निधन हो गया था, तो ऐसा कहते हैं। और सावरकर जी के साहित्य में, पत्रों में उस बात का उल्लेख भी आता है कि ये मैडम कामा को दूसरी माँ कहा करते थे। तो ऐसे अपनी दूसरी माँ को अपन जो काम कर रहे हैं उससे प्रभावित करते हुए उस काम से बहुत व्यवस्थित रूप से जोड़ना, यह सावरकर जी के लिए संभव था, वो उन्होंने किया।
हम जानते हैं कि मैडम कामा बहुत विस्तार में जाने का अपने पास समय भी नहीं है, लेकिन मैडम कामा के माध्यम से सावरकर जी ने स्वतंत्र भारत का राष्ट्र ध्वज कैसा होना चाहिए इसका एक प्रारूप जो खाका सोचा हुआ था, वो वैसा प्रारूप इनको बता करके, वैसा झंडा बना करके एक अंतरराष्ट्रीय परिषद में अपने भारत के विचार प्रस्तुत करने के लिए जो दो तीन प्रतिनिधियों को अभिनव भारत ने भेजा था उनमें मैडम कामा भी शामिल थी। वे वहां गई थी, वहां उनका बहुत ही प्रभावी भाषण हुआ था और उनके द्वारा यह जो सावरकर जी का दिया हुआ राष्ट्र ध्वज था वह राष्ट्र ध्वज उन्होंने वहां पर फहराया और कहा कि हर देश का अपना ध्वज होता है तो यह अपना भारत का ध्वज है, आप इसको सम्मान कीजिएगा। तो सारे लोगों ने उस अंतरराष्ट्रीय परिषद में शामिल सारे लोगों ने वो खड़े होकर के उस भारतीय राष्ट्र ध्वज को, उस समय का जो था, उसको वंदना की थी। मैडम कामा जी के द्वारा वह ध्वज दिया गया था। यानी ये मैं इसलिए विस्तार से इसलिए बता रहा हूं कि हमें ध्यान में आए कि कैसे कैसे लोगों को उन्होंने किस सीमा तक अपने कार्य से जोड़ा। समवयस्क लोगों की बात आती है तो हम देखते हैं कि मदन लाल धींगरा, अब ये जो इस आयु के युवा होते हैं, सावरकर जी की आयु उस समय 23-24 वर्ष की थी, इतना हमको ध्यान रखना पड़ेगा, ये भी एकदम युवा थे। तो मदन लाल धींगरा भी लगभग इन्हीं के आयु के थे, वे भी युवा थे, मस्ती वाले थे, देश वेश के बारे में सोचने की उनकी आदत नहीं थी, खाओ पियो मौज करो ऐश करो ऐसा स्वभाव जो एक युवक का रहता है, उस स्वभाव के मदन लाल धींगरा के बारे में तो यहां तक बताते हैं दिखने में बहुत अच्छे थे। तो वहां पर जो डांस रूम हुआ करते थे तो उन डांस रूम में अंग्रेज लड़कियों में इस बात की प्रतिस्पर्धा होती थी कि मदन लाल के साथ आज डांस कौन कौन कर पाएगा, तो मैंने मदन लाल के साथ डांस करना चाहिए, ऐसा उन अंग्रेज युवतियों में वातावरण, इस स्तर का व्यक्तित्व मदन लाल धींगरा का सावरकर जी के संपर्क में आता है और व्यक्तित्व में पूरा परिवर्तन होकर के देश की स्वाधीनता के लिए समर्पित व्यक्ति बनते हुए, और हम आगे का उनका सारे घटनाक्रम जानते हैं कि कैसे उन्होंने करजन वायली का, उसको हम लोग वध कहते हैं, खून नहीं कहते हैं, ऐसे दुष्टों का वध किया जाता है, तो करजन वायली का वध किया था और कैसा वो पकड़े गए थे और उस समय पर भी कैसा उनका मानसिक स्वास्थ्य था, ब्लड प्रेशर वगैरह, डॉक्टरों को भी बड़ा आश्चर्य हुआ था जब ऐसे पकड़े जाते तो उनको फांसी की सजा, उस समय पर भी सावरकर जी मिलने के लिए गए थे, उन दोनों की वार्ता हुई थी और सावरकर जी से उन्होंने पूछा था कि मैंने अपने जीवन को सार्थक किया है कि नहीं किया है, ऐसा हंस करके पूछा था। तो ऐसा व्यक्ति जो कैसा था और उसको कैसा बनाया, यानी व्यक्ति निर्माण क्या होता है, और ये उदाहरण के लिए मैंने बताया ऐसे अनेक व्यक्तियों का उन्होंने निर्माण किया। तो ऐसी संगठन कुशलता भी उनमें थी, अपने से बड़े, अपने समवयस्क, अपने से छोटे, सबको ऐसी प्रेरणा देते हुए, इसलिए कहा जाता है कि सावरकर जी स्वाधीनता संग्राम के लिए जो क्रांतिकारक मार्ग से प्रयास करने के इच्छुक लोग हैं, ऐसे सब लोगों के लिए प्रेरणा पुरुष थे। उन्हें अपने से छोटे सुभाष चंद्र बोस कहे, मदनलाल धींगरा तो हो ही गए, उधम सिंह कहे, भगत सिंह कहे, इन सब के मन में सावरकर जी के प्रति एक प्रेरणा पुरुष इस रूप का ही भाव था। लेकिन ऐसा करने करते हुए भी उन्होंने एक और बात का ध्यान रखा। उतनी बात करते हुए मैं आज का अपना कथन समाप्त कर दूंगा, शेष बातें हम लोग कल करेंगे, क्योंकि मैंने सामने घड़ी रखी हुई है, उस घड़ी के हिसाब से अभी कुछ मिनटों का समय बाकी है। देखिए 1906 में सावरकर जी लंदन पहुंचे बैरिस्टरी का अध्ययन करने के लिए, आयु थी 23 वर्ष। मैं दो तीन बार आयु जरूर बताऊंगा कि हमें ध्यान में आए कि उस आयु में भी क्या क्या किया जा सकता है।
स्वाधीनता संग्राम के लोगों की प्रेरणा लोगों को देने के लिए जैसे प्रत्यक्ष मिल करके संगठन के साथ जोड़ करके प्रयास होता ही है, वैसे ही उस प्रकार के साहित्य की यदि निर्मिति होती है तो वह भी लोगों में एक प्रेरणा का कारण बनता है। यूरोप में इटली में एक स्वाधीनता संग्राम सेनानी हो चुके पहले के हैं, कुछ 100 वर्ष पहले के हैं, जोसेफ मेजिनी उनका नाम है। इटली पराधीन था, दूसरे लोगों का शासन था, तो जैसे भारत को स्वाधीन करने के लिए सावरकर जी और अन्य लोग प्रयास कर रहे थे, वैसे इटली को स्वाधीन करने के लिए जो प्रयास चल रहे थे उन प्रयासों के शीर्ष पर जो थे प्रेरणा पुरुष थे वो थे जोसेफ मेजिनी। इनका चरित्र अंग्रेजी में तो लिखा हुआ था लेकिन उस अंग्रेजी चरित्र का सावरकर जी ने 1906 में ये लंदन पहुंचे हैं और 1907 में जोसेफ मेजिनी के अंग्रेजी चरित्र का मराठी में अनुवाद सावरकर जी ने पूरा किया, उसको भारत भेजा गया। उसको छापने में भी बड़ी दिक्कत आई, प्रतिबंध सारी बातें झेलते हुए भी गुप्त रूप से उसका छपना हुआ, उसका प्रचार हुआ। इतिहास हम जानते हैं 1907 मात्र 24 वर्ष की आयु, और फिर 1900 अगला वर्ष आता है 1908, आयु 24 वर्ष। और एक अमर पुस्तक की रचना सावरकर जी के द्वारा हुई थी 1857 का स्वाधीनता समर। अंग्रेजों ने इस 1857 के स्वाधीनता समर को एक सिपाही विद्रोह जैसा नाम दे करके और इतना इसको नीचा दिखाने का प्रयास किया था अंग्रेजों ने कि यह देशभर में तो था ही नहीं, कुछ जिलों में था, ये सारी जनता का नहीं था, ये तो केवल कुछ राजे रजवाड़ों का था, सत्ता प्राप्त करने के लिए था, इसका जनता से कोई लेना देना नहीं था, 3-4 जिलों तक सीमित था। ऐसा स्वरूप इस 1857 के युद्ध को अंग्रेजों ने देने का प्रयास किया था, भरपूर प्रयास किया था। जबकि यह 1857 का जो युद्ध था यह स्वाधीनता समर था, पहला नहीं, गलती से लोग उसको प्रथम स्वाधीनता समर कह देते हैं। अपन पुस्तक देखेंगे तो इस पुस्तक में कहीं पर भी प्रथम स्वाधीनता समर ऐसा उल्लेख नहीं है, स्वाधीनता समर। इसका अर्थ है कि 1857 से पहले भी अनेक स्वाधीनता के प्रयास हुए हैं, समर हुए, उसी की कड़ी के रूप में यह एक स्वाधीनता। तो इसका व्यवस्थित रूप से एक इतिहास लेखन जैसे किया जाता है, संदर्भ देखने पड़ते हैं, पुस्तकें पढ़नी पड़ती हैं, जानकारियां लेनी पड़ती हैं, उसके लिए समय देना पड़ता है, जगह जगह घूमना पड़ता है, लोगों से चर्चा करनी पड़ती है, लोगों से जानकारियां लेनी पड़ती है, ये सारी बातें इस 24 वर्ष के युवक ने की है। और एक जिसको पुस्तक नहीं एक ग्रंथ ही कहा जा सकता है, ऐसे एक अमर ग्रंथ की रचना 1857 का स्वाधीनता समर। स्वाभाविक रूप से इसको प्रतिबंध यानी उसके प्रकाशित होने से पहले ही प्रतिबंध लग गया, इंग्लैंड में भी लग गया, भारत में भी लग गया। शायद दुनिया की ऐसी एकमात्र पुस्तक होगी कि जिसको प्रकाशित होने से पहले ही दो दो देशों में प्रतिबंध का सामना करना पड़ा। लेकिन ऐसे लोग ऐसे प्रतिबंधों के आगे झुकते थोड़े ही है। उसका प्रकाशन हुआ, बाकायदा वितरण हुआ, अन्य अन्य भाषाओं में उसका अनुवाद हुआ, ये पूरा इतिहास हम जानते हैं। केवल इतना ही नहीं, इन्होंने एक और पुस्तक की रचना की, सिखों का स्फूर्तिदायक इतिहास। देखिए भारत के अंतर्गत जितने प्रकार के पंथ संप्रदाय हैं वे सब भारतीय हैं, भारत के लिए सोचने वाले हैं। केवल सनातनी ही नहीं, जो सिख हो, बौद्ध हो, जैन हो, ये सब भारत के लिए सोचने वाले हैं। जो भारत में उत्पन्न पंथ संप्रदाय है उसमें से यह सिख संप्रदाय को थोड़ा सा अलगाव के दिशा में ले जाने का अंग्रेजों का कुटिल प्रयास जो चल रहा था, तो सिखों का स्फूर्तिदायक इतिहास भारत के संदर्भ में कैसा स्फूर्तिदायक इतिहास है
इसका बड़ा गहन अध्ययन करते हुए 1910 में उन्होंने इस पुस्तक की भी रचना की थी। तो ऐसी पुस्तकों का उन्होंने निर्माण किया जिन पुस्तकों को पढ़ करके भी लोगों को स्वाधीनता संग्राम में शामिल होने की प्रेरणा मिल सकती है, अपने संगठन के माध्यम से, अपने व्यक्तित्व के माध्यम से, व्यक्तिगत संपर्कों के माध्यम से और अपने लेखन के माध्यम से, कविताएं तो है ही, तो ऐसे सारे माध्यमों से स्वयं देश के लिए काम कर रहे हैं, तो ज्यादा से ज्यादा लोग भी मेरे जैसे ही देश के लिए काम करने वाले हो, स्वतंत्रता के लिए काम करने वाले हो, इस दिशा के प्रयास जो सावरकर जी ने किए थे। थोड़ा आज का विषय यही समाप्त करते हुए आगे की बातें हम उन पर कल विचार करेंगे। आप सब लोगों को मेरा नमस्कार।